हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। अरिजीत सिंह यार, मैं कहता हूँ संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, बादशाह इसमें कोई शक नहीं है। 2023 में अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने आए हैं, हर साल आते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज हम 2023 वाले सॉन्ग्स का मैशअप लेकर आए हैं। अरिजीत सिंह के बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स होने लगे हैं 2023 के, ब्रेकअप लव शप वाले गाने होने लगे हैं, तो आशिक इस वीडियो के थोड़े और करीब आ जाए तो बहुत मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और में, जिनके दिल टूटे हैं वो थोड़ा दूर चले हाँ जाए। जिनके दिल टूटे हैं थोड़ा दूर चले जाए। कौन करते हैं 3-2 एंड स्टार्ट। दिल टूटे के भी मरम लगती है भाई, मतलब सारे गानों का शायद है। हाँ भाई, हाँ सारे गानों ये वन ऑफ द बेस्ट से गाना है यार। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, ना शौलत संभाली ना होश, कल भी ये हाल था और आज भी ये हाल है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। यार ये वन ऑफ द बेस्ट गाने हैं भाई। तुझे आज इतनी दफा मैं तुझ पे आता, मुझको एक
वीडियो खत्म यार, लगभग एक कबीर सिंह को छोड़ के बाकी एक भी मूवी नहीं देखी थी यार, मतलब गाने लगभग सारे सुन रखे थे भाई यार। इनकी आवाज अगर आपको नींद ना आ रही हो ये लगा के सो जाओ। मैं तो सच में अक्सर ऐसा करता था ना, ये नहीं कि मतलब जरूरी नहीं है कि ये लवर सुनते हो या ये जो कुछ भी है, बस सुकून देते हैं गानों को यार, हेडफोन लगाओ सुकून से भाई, लगा के सो जाता था अक्सर भाई, क्या सुकून से। अभी खैर नहीं लगाता, सर में दर्द होता है, अभी वो वाला टाइम भी नहीं रहा भाई, वो पहले देख के दिल होते थे, लगा के सो जाते थे यार। सही बात बताऊं, इतना बंदे को यार हो जाता बंदा, हम भी खो गए थे सीरियसली, हम पहले सोचा थोड़ी बातें शाते बीच में करेंगे, हम टाटा करते रहते हैं वीडियो के बीच, लेकिन स्पेशली मैं, हाँ भाई, तो वो भी नहीं कर सके क्योंकि गाने इतने कमाल थे। हमारी गाड़ी में मोस्टली तकरीबन 70% सॉन्ग अरिजीत सिंह, सही बात जो हम सुनते रहे। आप में से अरिजीत सिंह के गाने कौन कौन सुनता है कॉमेंट में, कौन मतलब नहीं सुनता, मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि हर कोई सुनता है, और हर साल इनके इतने गाने आते हैं कि भाई यार सच में मैं बताऊं, ऐसी मूवी इनका पीक टाइम जब स्टार्ट हुआ ना, पीक टाइम वो आशिकी मूवी, सही बात, मैं कहता हूँ आशिकी भी और मर्डर से हुआ था भाई, मर्डर से दिल संभल जाए सर आप, मतलब उस गाने से मतलब डेब्यू किया था इन्होंने और वही गाना, हाँ आशिकी मूवी से ये अलग लेवल पे गए थे तुम्हें पता, हाँ, हाँ। उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, क्योंकि आशिकी मूवी का इनका हर सॉन्ग सुपर हिट गया था, सही बात यार, सुपर डुपर हिट गया था इनका, सही बात, वो गाने नेक्स्ट लेवल, सच में अलग, उसके बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सही मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद एक विलन में भी गाया था इन्होंने, वो भी अच्छे यार, इनकी आवाज यार सच में मजा आ जाता है, और ये नहीं है कि इन्होंने सैड सॉन्ग गाए, हर तरह का सॉन्ग इन्होंने, पार्टी सॉन्ग बहुत कम गए भाई, पार्टी सॉन्ग नहीं, इनका नेचर अलग है, अलग नेचर पार्टी सॉन्ग वाले, पार्टी सॉन्ग वाले, लव वाले सैड सॉन्ग, इस तरह के गाने ज्यादा गाते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत मतलब दुख, ये इन चीजों में ज्यादा गाते हैं। मैं कहता हूँ जिसका ब्रेकअप नहीं भी होता, कुछ गाने ऐसे हैं कि जिसका ब्रेकअप नहीं भी होता, जो सिंगल सारी रैप रहता है वो भी रोने लग जाता है, उसको भी ऐसा फील होता है। देशभक्ति की भी सॉन्ग मैंने, देशभक्ति वाले गाने, मतलब ये कॉम्बो, ये बहुत हैवी सिंगर है यार अरिजीत सिंह का, आपका इनका भाई सिंपल इंसान है यार, बिल्कुल सिंपल इंसान है। अरिजीत सिंह का सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है, कमेंट में प्लीज, कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार